Problem 13. On 1st January 2013, a firm purchased a truck for Rs. 15,000. ठीक है, 2013 के स्टार्ट में एक ट्रक परचेज किया है फर्म ने 15,000 का. डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 20% पर एन. डेप्रिसिएशन का रेट हमें बता दिया, ठीक है. ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, मेथड भी हमें बता दिया. On 31st December 2016, it was arranged to replace the old truck by a new one. Cost Rs. 18,000. 31st December 2016 को old truck को replace कर दिया new truck के साथ. New truck की cost कितनी है? 18,000. And an allowance of Rs. 4,500 being made from the purchase price of new one. Allowance हमें कितना मिला है? 4,500 का. ठीक है. शो द ट्रक अकाउंट फॉर 4 years. ट्रक अकाउंट हमने बनाना है 4 सालों के लिए, ठीक है. तो सबसे पहले हम परचेज की एंट्री करेंगे. क्या एंट्री होगी? 1st 2013 को ट्रक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट. कितनी अमाउंट है जी? 15,000. ठीक है, उसके बाद हम इसकी डेप्रिसिएशन लेंगे. डेप एट 31st 12 2013. कॉस्ट कितनी है ट्रक की? 15,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना जी? 20% डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, तो ये आ जाएगी जी हमारे पास पहले साल की डेप्रिसिएशन 3,000. ठीक है, इसकी एंट्री करते हैं. 31st 12 2013 को क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और ट्रक अकाउंट क्रेडिट. कितनी अमाउंट से? 3,000 से. उसके बाद 14 को भी आप इसकी डेप लें. डेप एट 31st 12 2014 15,000 माइनस करेंगे पिछले साल की डेप्रिसिएशन 3,000. आ गई बुक वैल्यू कितनी? 12,000. इस पे अब आप रेट अप्लाई करें मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, ये कितनी आ गई हमारे पास? 2,400. इसकी भी एंट्री करें. 31st 12 2014 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और ट्रक अकाउंट क्रेडिट. कितनी अमाउंट से है? 2,400 से. उसके बाद डेप्रिसिएशन लेंगे हम 2015. डेप एट 31st 12 2015 कॉस्ट लिखे इसकी 15,000 माइनस करें इसकी डेप्रिसिएशन माइनस 2,400. बुक वैल्यू क्या आएगी इसकी? 9,600. इस पे अप्लाई करें कितनी आ गई डेप्रिसिएशन हमारे पास? 1920. ठीक है, इसको रिकवर करें. एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और ट्रक अकाउंट क्रेडिट. कितनी अमाउंट से? 1920 से. उसके बाद 2016 की आपने डेप्रिसिएशन लेनी है लास्ट ईयर, ठीक है, और फिर हमें ट्रक को रिप्लेस करना है. डेप एट 31st 12 2016 कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करें 15,000 माइनस 3,000 माइनस 2,400 माइनस 1920. ठीक है, कितनी आ गई इसकी बुक वैल्यू? 7,680. इस पे रेट अप्लाई कर दें कितनी डेप्रिसिएशन आ गई जी हमारे पास? 1,536. इसको भी रिकवर कर दें.
depreciation account debit or truck account credit. The three amounts will be 1536. अब हमने डेप्रिसिएशन ले ली है चारों साल की, ठीक है, 13, 14, 15 एंड 16. अब हम इसको रिप्लेस करें, ठीक है. सबसे पहले कॉस्ट लिखें जी. कॉस्ट कितनी है जी? ट्रक की 15,000 माइनस के लिए इसमें से डेप्रिसिएशन डेप 2013 माइनस डेप 2014 माइनस डेप 2015 माइनस डेप 2016. 13 की कितनी है जी डेप? 3000. उसके बाद 2400, देन उसके बाद 1920, देन लास्ट में जी 1536. इन सबको प्लस करें, ठीक है, और माइनस करें इसमें से. ये कितनी बन जाएगी जी हमारे पास? इन सबको प्लस करेंगे हम तो ये बन जाएगा जी 8856, ठीक है. माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी जी बुक वैल्यू 6144, ठीक है. ये आ गई हमारे पास बुक वैल्यू. ठीक है, सॉरी, इसका भी हमें अंडरलाइन नहीं करना. ठीक है, 6144 आ गई जी हमारे पास बुक वैल्यू. अब हम करेंगे जी न्यू ट्रक की पहले एंट्री. इसीलिए न्यू ट्रक की क्या कॉस्ट है जी? 18,000 कैश को आप क्रेडिट कर दें पूरी अमाउंट से. ठीक है, अलाउंस हम उसमें एडजस्ट करते हैं. ठीक है, वो आपने कैश ही रिसीव किया. ठीक है, ये आपके लिए इजी हो जाएगा. आप पहले पूरी एंट्री करेंगे ट्रक अकाउंट को डेबिट, कैश अकाउंट को क्रेडिट 18,000 से. उसके बाद लेस करें जी अलाउंस रिसीव्ड. ये अलाउंस आपने कैश में रिसीव किया. ठीक है, कितना अलाउंस रिसीव किया जी इसमें से? 4500. अब देखें बुक वैल्यू ज्यादा है, अलाउंस आपने कम लिया है, यानी कि कैश, या आप कैश कंसिडर करें तो आपको क्या हो जाएगा? लॉस. कितना लॉस आया आपके पास? 1644. ये हो गया आपको लॉस ऑन ट्रक. ठीक है, अब हम इसका अकाउंट बनाते हैं, पहले इसकी एंट्री कर देते हैं. ठीक है, कैश कितना रिसीव किया आपने? आपने कैश कंसिडर करना है अलाउंस को 4500. प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे, लॉस के लिए डेबिट होता है, उसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. कितना है जी? 1644. ठीक है, वो ट्रक अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे कितनी अमाउंट से? 6144 से. अब हम बनाते हैं अकाउंट. सबसे पहले क्या हुआ जी, देखिए आप 1 जनवरी 2013 को ट्रक अकाउंट डेबिट में चेंज किया जी उसके कैश कितनी अमाउंट है? 15,000. उसके बाद 31/12/2013 को ट्रक देखिए क्रेडिट में है इसके डेबिट कितनी अमाउंट है? 3,000. टोटल क्या है इसका? 15,000. कितना बैलेंस बचेगा जी हमारे पास? 12,000. उसके बाद 1/1/2014 को सबसे पहले आप क्या करेंगे? बैलेंस बीडी कितने है जी? 12,000. उसके बाद इसकी डेप्रिसिएशन लिखी उसी का 31/12/2014 देखिए ट्रक क्रेडिट में जीएसटी और उसकी डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन आ गई कितनी अमाउंट है जी? 2400. टोटल करें इसका अगेन 12,000. माइनस करें तो आपके पास बैलेंस आ गया. बैलेंस कैरी हो कितना बैलेंस आएगा जी आपके पास? 9600. उसके बाद
1st 2015 को बैलेंस के लिए मिली, बैलेंस ब्रो डाउन कितना है 9600। उसके बाद आ जाएगी इसकी फिर डेप्रिसिएशन 31st 2015 तक देखिए क्रेडिट में अगेंस्ट के उसके डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट है जी 1920 टोटल करें इसका 9600 और माइनस करें क्रेडिट साइड को बैलेंस कैरिड ऑन आ गई थी हमारे पास कितना 7680 लास्ट ईयर 1/1/2016 को सबसे पहले करें आप बैलेंस बीडी कितना है जी 7680। उसके बाद साल के एंड पे देखिए आपने ट्रक नया बाय किया 31st 12 2016 ट्रक डेबिट में अगेंस्ट किया कैश कितना है जी 18000 ठीक है। उसके बाद ट्रक देखें क्रेडिट में अगेंस्ट किया उसके कैश कितना है जी यहां भी देखिए आप पहले डेप्रिसिएशन है ट्रक क्रेडिट में अगेंस्ट का डेप्रिसिएशन चलिए पहले कैश लिख लेते हैं 4500 ठीक है। फिर क्या आ जी प्रॉफिट एंड लॉस कितना प्रॉफिट एंड लॉस 1644 और फिर ये डेप्रिसिएशन लिखिए आप ट्रक क्रेडिट में अगेंस्ट का डेप्रिसिएशन कितनी है जी 1536 टोटल करिए आप इसका ठीक है। इसका टोटल बनेगा 25,680 ठीक है। माइनस के लिए आपके पास बैलेंस आ जाएगा बैलेंस कैरी ऑन कितना बैलेंस रहेगा आपके पास 18000 ठीक है। ये अलाउंस जो आपने एडजस्ट किया है ये आप सीधा सीधा कैश रिसीव करें ठीक है। ट्रक को पहले पूरी अमाउंट से डेबिट करें कैश को क्रेडिट करें ठीक है। ये आपके लिए इजी हो जाएगा ठीक है। फिर ये अलाउंस आपने कैश में एडजस्ट कर लिया आपने कैश रिसीव कर लिया 4500 लॉस निकला है ट्रक को क्रेडिट कर दिया इसको आप लोग नोट करें।